हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। एलन मस्क ने कहा, 15 अप्रैल से ट्विटर पोल में केवल वेरीफाइड अकाउंट वाले यूजर्स ही कर पाएंगे वोट। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ऐलान किया है कि 15 अप्रैल से ट्विटर पोल में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट वाले यूजर्स ही वोट कर पाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि एडवांस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स को रोकने के लिए यह एकमात्र तरीका है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह एक निराशाजनक हारने वाली लड़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने 653 बुलेट गुम हो जाने के बाद शहर में लगाया लॉकडाउन। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सैनिकों से 653 बुलेट गुम हो जाने के बाद हेसन शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बुलेट्स की बरामदगी के लिए शहर में घर घर तलाशी ली है। एक निवासी ने कथित तौर पर कहा कि जब तक सभी 653 बुलेट नहीं मिल जाती तब तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि हेसन प्रांत की आबादी लगभग 2 लाख है। ईपीएफओ ने बढ़ाई ब्याज दर, 2022-23 के लिए मिलेगा 8.15% ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1% की थी, जो कि 44 वर्षों में सबसे कम थी। वित्त वर्ष 2021-22 की ब्याज दर 1977-78 की 8% ब्याज दर के बाद से सबसे कम थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, अगर राहुल गांधी मेरे पास रहने के लिए आए तो मैं उन्हें अपने आवास में जगह दूंगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा पूर्व कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को सांसद आवास खाली करने का नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी माँ के पास जाकर रह सकते हैं, अगर मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें अपने घर में जगह दूंगा। आपको बता दें कि मानहानि केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी सांसदी रद्द हुई है। 30 जून 2023 तक बढ़ाई गई पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में हुई उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अदालत ने वकील उमेश पाल का 2006 में अपहरण करने के मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को मामले में दोषी करार दिया था। बसपा विधायक राजू पाल के मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश की फरवरी में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने मामले में अतीक के भाई समेत 7 लोगों को बरी किया। मानहानि के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य व संजय राउत को भेजा समन। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश सेवाले की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन भेजा है। दरअसल शिंदे गुट पर 2000 करोड़ में धनुष बाण चुनाव चिन्ह खरीदने का आरोप लगाए जाने के खिलाफ सेवाले ने मानहानि का केस किया था। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।